अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शा अफजल। 5 जनवरी कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का योम पैदाइश। नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी तमाम तर ज़िंदगी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। रोटी, कपड़ा और मकान, वो नारा जो आज तक अवाम में मकबूलियत का हामिल है और पीपल्स पार्टी की पूरी क़्यादत आज भी उसी मंशूर के साथ मौजूद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नो डाउट जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर हमें आज तक नहीं मिल सका। आप उनका सियासी करियर उठाकर देख लें, आप उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत उठाकर देख लें, हर पहलू में जिस तरीके से एक लीडरशिप क्वालिटी हमारे सामने आई है वो इससे पहले किसी लीडर में नहीं नज़र आई। आज उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हमारे साथ कैनेडा से मौजूद हैं हमारे गेस्ट, पीपल्स पार्टी के कैनेडा के रहनुमा जनाब इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हमने आज अपना प्रोग्राम आज का जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए वक्त किया है, सबसे पहले तो आप बताइए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी क़्यादत के बारे में, और आप किस तरीके से खराज अकीदत पेश करेंगे उनको। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शी अफजल, मैं आपका ही मशकूर हूँ और एजेंडा पाकिस्तान प्रोग्राम जो आप होस्ट कर रही हैं और साथ ही प्राइम कैनेडा टीवी पर कैनेडा का, बहुत तो शुक्रिया सर। उन्होंने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के यौम विलादत पर अपने ख्याल का इजहार कर सकूँ। तो मुख्तसर मैं यही कह सकता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी शख्सियत बहुत पाए की शख्सियत के वो मालिक थे और उनकी उनके साथ लोगों की रुमानियत थी। वो एक रुमानवी पाकिस्तानी सियासत का और पाकिस्तान में एक रुमानवी किरदार थे जिसके साथ हर तबके फिक्र के लोगों ने मोहब्बत की। तो उन्होंने अपने अवाम का साथ नहीं छोड़ा, जिन्होंने उनके साथ मोहब्बत की या नहीं भी की, उन्होंने अपनी किसी का साथ नहीं छोड़ा। तो जी, आप इस हवाले से सर, हम सब ये बात जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेसिकली एक जमहूरी लीडर थे, लेकिन मुखालफीन का कहना यह है कि वो एक आमिर की वजह से जो है वो सियासत में आए। किस तरीके से आप इस चार्ज को कहूँ या इस वर्डिक्ट को किस तरीके से आप जो है वो सेकंड करेंगे या किस तरीके से आप इसको डिफेंड करेंगे? हाँ, मैं सेकंड तो इसको नहीं करूंगा क्योंकि सेकंड करना ये डिफेंड करेंगे बस। पूरे तमाम जमहूरियत पसंद जो लोग हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक होगा, उन लोगों के साथ उनकी दिलाजारी होगी जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मोहब्बत की और वालाना मोहब्बत की। और जहां तक ये एलिगेशन क्यों पुराना नहीं है, ये एलिगेशन बहुत पुराना है, नया नहीं है सॉरी। तो मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खां के अरूज के जमाने में, जब 1965 की वार हुई थी, तो अयूब ने वार फिनिश हुई और उस वार की विक्ट्री का जो मैदान जंग में हुई थी उसका क्रेडिट भी बिलाशुबा उसका भी हिस्सेदार बहुत बड़ा हिस्सा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है, जो इस वक्त वज़ीरे ख़ारजा थे और उन्होंने अपनी पॉलिसीज के तहत चाइना को इस वार में इन्वॉल्व किया और इंडिया के घुटने टिकवाए मैदान जंग में। मगर जब ये टेबल टॉक हुई ताशकंद में, तो ताशकंद में अयूब ने वो मैदान जंग में जीती हुई एक वार पाकिस्तान की काज उसको लूज कर दिया ताशकंद में, और वहां से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अयूब खान के खिलाफ हुआ। और उस वक्त ये एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी लेफ्टिस्ट, जितनी भी पार्टियां थी, वो एक प्रोग्राम एक एजेंडे के तहत नहीं थी, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आमर अयूब के खिलाफ इख्तलाफ राय रखते हुए एक मजाहमती सियासत का आगाज किया, तो इसमें जरा भर भी इसमें शुबा नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मजाहमी सियासत की वजह से अरूज पाया और उसमें किसी भी आमर का उसमें उनकी पार्टी को बनाने में उनको बनाने में जरा बराबर भी हाथ नहीं है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मुखालफिन का एक नुकता नजर है जिसको वो
जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है, ये उस वक्त से ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 53 साल हो चुके हैं, इसी जो है ना, ये पुरानी पुरानी चीज को ये बेच रहे हैं लोग, जो लोग के एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अच्छा सर, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने का एक नारा, एक स्लोगन ये अराइज हुआ कि इधर हम उधर तुम। उसके बाद हमने ये देखा कि सुकूते ढाका का वाक्या सामने आ गया, जिसके बाद से लोग आज तक ये कहते हैं कि सुकूते ढाका जो है वो बेसिकली जुल्फिकार अली भुट्टो साहब रिस्पॉन्सिबल, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ऊपर रखते हैं। तो क्या जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा मुहिब वतन पाकिस्तानी और इस तरह का सुकूते ढाका का रिस्पॉन्सिबल उनको करार देना, क्या ये मुनासिब है? ये बात भी जो है ना, ये बहुत पुरानी है, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब इकतदार संभाला था, तो बेसिकली ये मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में थोड़ा सा मैं अर्ज करूँ कि क्यों क्यों जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। मैं यहाँ से मैं इसका आगाज करूंगा, क्योंकि आमरियत के खिलाफ पाकिस्तान में कोई भी कादावर शख्सियत नहीं थी जो आमरियत को ललकार सके, और स्पेशली जितना ये जितना सोशल रिफॉर्म्स का एजेंडा लेफ्ट की जमातों के पास है, किसी और के साथ नहीं। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, चाहे वो मार्क्सिस्ट हों, चाहे वो सोशलिस्ट हों, डेमोक्रेटिक हों, या कोई भी, या कम्युनिस्ट हों, तो उनको वो अपनी अपनी अपने अपने तौर पर तो जद्दोजहद कर रहे थे, मगर उनका मुश्तरका प्लेटफॉर्म नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिडिल लेफ्ट की, मिडिल लेफ्ट की सियासत का की बुनियाद पर जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, और जुल्फकार अली भुट्टो की बढ़ती मकबूलियत से, तेजी से जो मकबूलियत उनकी बढ़ रही थी, उससे एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये गायब थी, क्योंकि ये पार्टी डेफिनेटली ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडे के साथ ये मैदान में आई थी, क्योंकि इसका मकसद था जो गरीब आवाम तक जाना, उनके हकूक बचाना और उनकी जिंदगी की बेहतर के लिए आगे बढ़ना, और पाकिस्तान को एक एक वेलफेयर स्टेट की तरफ लेकर जाना। तो जहां तक आपका सवाल का तलक है कि इधर हम और इधर तुम, पहली बात तो यह है कि जिस जलसे को या जिस हवाले से ये कोट कर रहे हैं, ये बात उस जलसे में सिरे से हुई ही नहीं, और अक्सर लोगों के इलम में ये बात नहीं जो इस पर इंसिस्ट करते हैं कि ये अखबार की सुर्खी ये कहाँ से बनी और कैसे बनी। अब्बास अतर साहब मरहूम बहुत बड़े सहाफी थे आपके जो है ना पाकिस्तान में, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए, तो ये सुर्खी ये उन्होंने लगाई थी, और उन्होंने अपने प्रोग्रामों में बारहा इसका तذکرہ किया है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने जलसे में ऐसी कोई बात की ही नहीं। अच्छा सर, अभी आप और बात इससे आगे जी सॉरी सर, अभी आप बात जैसे कर रहे थे वेलफेयर स्टेट का, एक वेलफेयर स्टेट की बात हो रही थी, तो सर हमने ये देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने अपने टाइम पर जो है वो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की, नेशनलाइजेशन की तरफ आए। अच्छा, उसी के साथ हम ये देखते हैं कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को क़यादत मिलती है तो वो जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ कि ये लेगेसी क्यों नहीं कंटिन्यू की गई नेशनलाइजेशन की शहीद मोहतरमा के दौर में? जी मैं क्योंकि जो भी मैं जो भी पॉलिसी आती हैं उनकी उनके लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कंटिन्यूटी जो है ना वो चाहिए, मगर बदकिस्मती से इसमें जो है ना वो मार्शल लॉ का 11 साल आगे थे, तो उसमें वो कंटिन्यूटी वो नहीं रही, क्योंकि सिस्टम जो है ना, ये टाइम पर टाइमली मैनर में ये होता है रिफॉर्म। जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज किया था अदारों को, तलीमी इदारों को, मिलों को, हस्पतालों को, और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह को, तो उसके सम्राट जो है ना, ये अवाम तक पहुंचे थे, और यकीनन ये पहुंचे थे, क्योंकि मिलों का जब उन्होंने नेशनलाइज किया, उसमें उन्होंने मजदूरों को एम्पावर किया, उनकी वर्कर कंपनसेशन का आगाज किया, उन्होंने लेबर कोड्स का अजरा किया, उन्होंने ओल्ड एज बेनिफिट का अजरा किया, और काफी उनके पीछे एक सिर्फ ये एक सिंपल एक पॉलिसी नहीं थी, उसके अंदर उसके पीछे एक पूरी चेन थी कि किस तरह इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके हमने इसको आगे लेकर जाना है।
और जब जनरल जियाउल हक का दौर आया तो उसके अंदर हमारे बिलाशुबा हमारे अदारे तबाह हुए हैं। और बिल्कुल सर, अभी आपने जियाउल हक साहब, जी बिल्कुल सर, अभी आपने जियाउल हक साहब का जिक्र किया, तो मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि जैसे कि हमने देखा जुल्फिकार अली साहब भुट्टो साहब का जो टेन्योर था वो एक बहुत स्ट्रांग टेन्योर रहा, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया उस वक्त आवाम, मतलब आवाम में जो मकबूलियत भी का बाइस भी रहा, और ऑब्वियसली उस वक्त की नीड भी यही थी, रोटी कपड़ा और मकान। इतने स्ट्रांग पोर्टफोलियो के बाद, इतने स्ट्रांग प्रोफाइल के बाद, आवाम में इतनी मकबूलियत के बाद, ऐसी क्या सिचुएशन हो गई थी कि अपोजिशन इतनी अगेंस्ट हो गई थी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की कि वो रोड पे निकल आई थी, और फिर हम ये देखते हैं कि जियाउल हक साहब ने जो है वो मार्शल लॉ उनको लगाना पड़ गया। जी, इसमें जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया और जो मेरा नुकता नजर है और जो अवाम का भी नुकता नजर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक एंटी स्टेब्लिशमेंट जमात है। और जुल्फिकार अली भुट्टो जब इकतदार में आए थे तो उन्होंने कोई दिन नहीं लिए, उन्होंने कोई महीने नहीं लिए, वो एक पूरी तैयारी करके उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। और उसके बाद उन्होंने जो उनकी पॉलिसीज थी उन्होंने हंगामी बुनियादों पर उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसकी वजह से ये सियासत में जो जुगादरी थे, जो एस्टेब्लिशमेंट का कंधों पर सवार होकर आ रहे थे, वो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की मकबूलियत से और पार्टी पॉलिसियों से और जो जिसके सम्राट अवाम ले रहे थे उनसे वो सख्त हायल थे। और जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने में सिर्फ एक ही जो है ना उसके पीछे बैकग्राउंड में एक ही वजह नहीं है, उसके पीछे मल्टीपल जो है ना कॉजेस हैं, इंटरनेशनल कॉजेस भी हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद पाकिस्तान के दिफा के बहुत मजबूत अलमबरदार थे और बहुत इसके बारे में वोकल थे। इवन के जब जब वो वजीर खारजा थे तो वजीर खारजा तो एक हकूमत का होता है, ताबे होता है, हकूमत की पॉलिसियों को उसने आगे लेकर चलना होता है और उसकी लिमिटेड पावर्स होती हैं। तो उस वक्त भी जब इंडिया न्यूक्लियर पावर पर काम कर रहा था तो पाकिस्तान का एक साइंटिस्ट जो यूके में था, मुनीर अहमद खान, वो अयूब खान को भी उसने कायल करने की कोशिश की पाकिस्तान की जरूरत के बारे में, एटॉमिक टेक्नोलॉजी के बारे में। और जुल्फिकार अली भुट्टो तो ऑलरेडी उसके ऊपर कन्विंस थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने, और जबकि अयूब खान इसके बारे में कन्विंस नहीं थे क्योंकि डिक्टेटर एक प्रोग्राम के तहत नहीं आते, ये पैराशूटर्स होते हैं, ये अचानक आते हैं, अचानक चले जाते हैं, कोई पॉलिसियां नहीं होती इनकी। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, दफा की पॉलिसी जो खित्ते की हुई सूरत हाल को देखते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो की उस पर बड़ी अमीक नजर थी। और इसी वजह से जो इधर तुम और उधर हम का नारा लगाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि भले आप जुल्फिकार अली भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाए तो क्या आप मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से मुतफिक हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि क्या आप इसको एंडोर्स करते हैं कि पाकिस्तान के हर इलाके की, हर सूबे की अपनी फौज हो, अपनी करेंसी हो? क्या ये आप चाहते हैं? अगर आप ये नहीं चाहते तो देन आपको दोबारा सोचना पड़ेगा कि हम जुल्फिकार अली भुट्टो के पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या जो मुजीबुर रहमान के सबर का पाकिस्तान था हम उसके साथ खड़े हैं। तो मैं इससे थोड़ा सा आगे ये बढ़ता हूँ आपके सवाल की तरफ कि जुल्फिकार अली भुट्टो ये बहुत जान, इनका ख्याल था कि पाकिस्तान का दफा अगर हमारे पास मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, तो उन्होंने मुनीर अहमद खान को बोला कि फिक्र ना करो, हम तुम्हारे एजेंडे पर हम काम करेंगे। और उन्होंने एक अपना मशहूर उनकी सेइंग है कि हम घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने वही किया, जब वो इक्तदार में आए तो उन्होंने बगैर टाइम जाया किए पाकिस्तान के जितने भी चोटी के जो साइंसदान थे उनकी मुल्तान में एक मीटिंग रखी। तो उस मीटिंग में उन्होंने सबसे पूछा कि मैं पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाना चाहता हूँ, पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए और कितनी देर में कोई कर सकता है। तो हर एक ने मुख्तलिफ राय दी कि
नहीं जी हम ये आने वाले 10 साल में करेंगे, 15 साल में करेंगे, मुख्तलिफ। और एक सदीक सदीक भट्ट साइंसदान था, उसने बोला कि मैं 5 साल में करूंगा। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने उसकी तरफ देखा और उनको बोला नहीं 5 नहीं, हाथ से इशारा करके उन्होंने बोला कि मुझे 3 साल में मुझे चाहिए, तो जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए मैं आपको वो दूंगा। तो ये उनकी एक इस तरह ये पाकिस्तान के दफा के बारे में इतना ये फिक्रमंद थे, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा जो दुश्मन इंडिया एटमिक पावर के असूल के लिए जद्दोजहद कर रहा था, उस पर तजर्बात भी कर रहा था, तो पाकिस्तान उससे बहुत पीछे था। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने टेन्योर में 2-3 साल में पाकिस्तान की दफाई लाइन को मजबूत किया। तो ये जुल्फकार अली भुट्टो की पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अफवाज के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ मोहब्बत थी, एक फैक्टर तो ये। और दूसरा, जब सकूते ढाका के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने, उसके जुर्मों में एक जुर्म ये भी शामिल है कि उसने यहिया खां को नजरबंद किया, और यहिया खां के जो उसके लॉयलिस्ट थे तकरीबन 60 के करीब फौजी अफीसर, उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ कू करने की कोशिश की, तो वो साजिश जो है ना वो पकड़ी गई और उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया। और मजे की बात है कि ये कोर्ट मार्शल भी उस वक्त के मस्कीन ब्रिगेडियर जियाउल हक ने किया था, और ना चाहते हुए भी, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो पावर था, पावर में थे और अवाम में भी उनकी पावर थी खर्चे का, और ये एक मजबूत और मजबूत से मजबूत पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान की तरफ, बल्कि ये पूरी इस्लामिक वर्ल्ड का और थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पर ये करना चाहते थे। तो ना चाहते हुए भी जियाउल हक ने उनका कोर्ट मार्शल किया और उनको सजाएं दी, और जिसका नतीजा बाद में ये निकला कि जुल्फकार अली भुट्टो का के खिलाफ जो है ना ये साजिशें तैयार हुई, और पीएनए की तहरीक जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ लॉन्च की गई, स्पॉन्सर की गई, और उनका तख्ता जो है ना वो उल्ट दिया गया। अच्छा सर, अभी जो है वो आपने बातों में जिक्र किया मुजीबुर रहमान साहब का ना. मुजीबुर रहमान साहब का बेसिकली मैंडेट ये था कि वो एक एक हैवी मैंडेट से जीते थे. उनका उनका कहना ये था कि इस्लामाबाद के बजाय जो असेंबली है वो ढाका की तरफ होनी, ढाका की तरफ जानी चाहिए. तो क्या वहाँ, क्या उनका ये रिजर्वेशन गलत था? और अगर ये रिजर्वेशन गलत नहीं था तो मतलब क्या इसके अलावा भी उनका कोई रिजर्वेशन था जिसकी बेसिस पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आना शुरू हुआ? जी, मैंने पहले अर्ज किया कि ये बात इतनी सादा नहीं थी कि जितनी लोग इसको सादा समझ रहे हैं। ताशकंद के बाद एक अयूब खान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेने के लिए, जो ताशकंद में हुआ। उसके अंदर भी जरफ़ा मुजीबुर रहमान ने बाई फोर्स अपने 6 नकात उसमें रखाए थे। तो सबको तो खैर मैं जिक्र नहीं करूंगा इस वक्त, क्योंकि वो सबका जिक्र करना इस वक्त कोई जरूरी भी नहीं है। तो उसके 6 निकात में एक चीज जो जो सबसे खतरनाक चीजें थी वो थी कि दोनों मुल्कों की, दोनों दोनों यूनिट्स की, क्योंकि उस वक्त यूनिट्स थे ईस्ट यूनिट और वेस्ट यूनिट, तो दोनों की करेंसी अपनी होनी चाहिए, उनके बैंक रिजर्व्स अपने होने चाहिए, उनकी ट्रेड अपनी होनी चाहिए। यानी कि ये एक ही, यानी कि निकात के ये हिस्से हैं, ये पूरे 6 निकात नहीं है, ये किसी नुक्ते के एक हिस्से हैं उन्हीं 6 निकात में से। और उसके अलावा यही नहीं, और उसने ये अपने बैंक रिजर्व फंड भी लादा मांगे थे, और सेपरेट जो है ना उसने ये मांगी थी अपनी फिस्कल, और माइनॉरिटी पॉलिसी भी बांग्लादेश के लिए अलहदा, ईस्ट पाकिस्तान के लिए अलहदा मांगी थी। और उसके अलावा वो नेवल हेडक्वार्टर भी वो शिफ्ट करना चाहता था फ्रॉम कराची, फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान टू ईस्ट पाकिस्तान। ना सिर्फ ये, पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस ये भी वो चाहता था कि ये ईस्ट पाकिस्तान की अपनी हो और वेस्ट पाकिस्तान की अपनी हो। तो कौन कौन मुहिब्बे वतन है जो इन चीजों पर, जो इन बातों पर ये एग्री हो? क्योंकि फौज
हमारे मुल्क के दफा के लिए होती है, और मुल्क की एक जुग्राफी हदूद होती है, उसमें ये नहीं है कि पंजाब की फौज इलादा हो, सिंध की इलादा हो, बलोचिस्तान की इलादा हो, केपीके की इलादा हो, तो ये ऐसे ये फेडरेशन ये ऐसे चलती नहीं है। तो ये भुट्टो की दूरदर्श निगाहों ने ये भांप लिया था कि ये बंदा ये क्या करना चाहता था, तो इसलिए उन्होंने ये चीज की। और बाकी आप ईस्ट पाकिस्तान के क्लाइमेट वगैरह की भी देख लें कि क्या सूरत है, और उसकी जियोग्राफिकल भी देख लें कि उसकी सूरत हाल क्या है, तो वो असेंबली का उधर शिफ्ट होना या अजलास बुलाना ये किसी भी तौर पर जो है ना ये फिजिबल नहीं था, क्योंकि इस वक्त जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो इस वक्त बांग्लादेश है, ये फुली सराउंडेड है इंडिया, इंडिया उसके चारों तरफ इंडिया है, तो ये जियोग्राफिकली भी ये एक चीज फिजिकली नहीं थी, और ये डिमांड उसकी दुरुस्त नहीं थी। और जुल्फकार अली भुट्टो ने जो स्टैंड लिया, तो वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का स्टैंड था, और जिसके पीछे पाकिस्तान की अवाम खड़ी थी। और उसके बाद आप देख लें कि ये मुजीबुर रहमान के मुंतखब नुमाइंदों ने मुजीबुर रहमान के साथ उसके साथ क्या हशर किया, तो ये उसकी गिरफ्त थी, ये उसकी पॉलिसी थी, नफरत की सियासत जो उसने वो लेकर चला था, तो उसका पहला शिकार वो खुद ही हुआ, और उसके बाद काफी देर तक बांग्लादेश इसी चक्कर में पड़ा रहा। बिल्कुल, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जियो पोलिटिकल सिनेरियो भी जो है वो फेवर में नहीं था अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो। अच्छा सर, अभी बात हो रही थी बिल्कुल आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया, ये सिनेरियो ऐसा लगता है। जी हाँ बिल्कुल सर, अभी हम बात कर रहे थे तो मैं आपसे आखिर जाने से पहले आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक पैशन था, एक एक आवाम के लिए मोहब्बत थी जिसकी बेसिस पे उन्होंने पार्टी पार्टी बनाई। आज की पार्टी, जब हम आज पीपल्स पार्टी देखते हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्या आज पीपल्स पार्टी में वही लोग हैं, वही लेगेसी फॉलो की जा रही है, या ये जरदारी साहब की लेगेसी है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी से डिफरेंट है? जी, मैं पहली बात तो मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ कि जरदारी साहब की पॉलिसी बिल्कुल जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की पॉलिसी से मुख्तलिफ नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जरदारी साहब के साथ, क्योंकि जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर होगा उस वक्त का, उसके खिलाफ हमेशा एक महाज खड़ा होगा, और उसके खिलाफ जो है ना इस तरह की बेसरोकार बातें जो है ना ये गर्दश करेंगी। जैसे कि मैंने पहले अपना अर्ज किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद क्या बनी, तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी उन्हीं बुनियादों पर खड़ी है, रोटी कपड़ा और मकान की, और पाकिस्तान के मजबूत पाकिस्तान के दफाई सतह पर मजबूत पाकिस्तान की कश्मीर की पॉलिसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुई है, और निचले तबका तक, मजदूरों किसानों तक डिलीवर करना भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी यही है। जरदारी साहब ने अपने दौर में, जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अपनी पावर जो है ना वो असेंबली को दी, हालांकि कोई भी प्रेसिडेंट जो है ना अपनी पावर असेंबली को नहीं देता, उन्होंने दी। उसके बाद उन्होंने, जरदारी साहब ने जो मजदूरों की बेसिक तनख्वाह में इजाफा किया, और तकरीबन 150% उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में तनख्वाहों में इजाफा किया। गंदम का मुशर्रफ से उनको इनहेरिटेड मिला बहरान आटे का, आपको याद होगा, तो उन्होंने उस पर भी काबू पाया, किसानों को सब्सिडी दी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निचले तबके के लिए जो उसकी बुनियाद है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसके लिए हर वक्त ये कोशिश में लगी है कि उनकी लाइफ को कैसे आसान बनाया जाए। जुल्फकार अली भुट्टो ने शनाख्ती कार्ड का इजरा किया, और सरदारी साहब ने एक स्टेप आगे लेकर जो स्पेशल नीड के लोग हैं, जैसे हमारे मजदूर तबका है किसी किसी वजह से, तो उनके लिए स्पेशल शनाख्ती कार्ड जरदारी साहब के दौर में उसका अजरा हुआ। गरीब आवाम को अपलिफ्ट करने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जुल्फिकार अली भुट्टो के क्रेडिट में ये भी जाता है कि पहले ये पासपोर्ट एक सर्टन लोगों के पास होता था, मगर जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पासपोर्ट का हसूल आम आदमी के लिए मुमकिन बनाया, और जिसकी वजह से उनका रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा था वो शर्मिंदा तबीर हुआ। और ये नारा ये ऐसे नहीं है कि कोई दो रोटियां किसी को पकड़ा दे, कपड़ों के जोड़े दे दे और शेल्टर दे दे, क्योंकि मुल्क
इस तरह नहीं चलते, इसके लिए मईशत की जरूरत होती है। तो मईशत की मजबूती करी उन्होंने एक ऑनरेबल तरीके के लिए, जब पासपोर्ट लोगों को मिले उन्होंने मिडिल ईस्ट के साथ वादे किए और यहाँ से लोग गए, उन्होंने रोजगार कमाया और उसी रोजगार की वजह से उनको, लोगों को रोटी भी मिली, कपड़ा भी मिला, मकान भी मिला लोगों को, और एक मकाम भी मिला मुआशरे में। मैं उसमें यह इजाफा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बेसिकली आपसे ये सारे सवाल जो मैंने किए नेशनलाइजेशन से रिलेटेड, मार्शल लॉ से रिलेटेड, भुट्टो साहब की लिगेसी से रिलेटेड, ये करने का मकसद ही ये था कि आवाम के दिमाग में जो एक मिसकंसेप्शन, एक नॉर्मल कॉमन पर्सन के दिमाग में जो एक मिसकंसेप्शन होता है पीपल्स पार्टी की क्यादत को लेकर, भुट्टो साहब की लिगेसी को लेकर, वो जब कभी हमारे सामने इस तरह की सीनियर क्यादत बैठी हो, सेंसिबल क्यादत बैठी हो, तो उनके थ्रू हम जो है वो आवाम तक ये जो पर एक्चुअल मैसेज होता है वो पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे थे, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद थे पीपल्स पार्टी कनाडा के रहनुमा जनाब इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब। नाज़रीन बातें आपने सुनी, जिस तरीके से इफ्तिखार मिर्ज़ा साहब ने भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन किया, भुट्टो साहब की जो है वो क़यादत से रिलेटेड आस्पेक्ट्स बताए, और जिस तरीके से भुट्टो साहब की वतन के लिए मोहब्बत बताई, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान में इसी तरह के लीडर्स मज़ीद पैदा करें जो पाकिस्तान के लिए सिंसेयर हों और पाकिस्तान की नस्लों के लिए सिंसेयर हों। इसी दुआ के साथ अपनी होस्ट अर्शिया को इजाज़त दीजिएगा कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।